तो यार यहाँ पे भाइयों को लेने पहुंच चुके हैं, मैंने ऑर्डर कर दिया है। क्या क्या ऑर्डर किया वो आपको दिखाएं। यार हम लोग अभी जनपद आ चुके हैं, ये आधी आधी आए। हाय, परेशान होती है जब इसको मैं उठाता हूँ, तो आप लोग जानते हो इसकी पुरानी आदत। Hey guys, welcome back to my YouTube channel and it's been a long time, like a really long time, and मैं वापस आ चुका हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत अटपटा लग रहा है क्योंकि पहले जब व्लॉगिंग कर रहा था तो कॉन्फिडेंस यहाँ था, अब कॉन्फिडेंस यहाँ है तो बहुत नीचे गिर चुका है। तो यार बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, जो लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे वो जानते होंगे कि क्या हुआ था और क्या नहीं, एंड बाकी चीज़ें जो भी हुई हैं मैं आपको थ्रू आउट द डे बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी मेरा आज का है 29th December, न्यू ईयर को सिर्फ तीन दिन न्यू ईयर ईव को 3 दिन। तो यार अभी लखनऊ में हूँ मैं, जो कि लोगों को पता है, पहले दिल्ली वाली था, जो इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होंगे उनको ये चीज़ें पता होंगी, और इसीलिए आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि उस पर ज़्यादा जल्दी अपडेट मिल जाता है। और क्या हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, अंडरवेंटर सर्जरी क्या था क्या नहीं था सब बताऊँगा। एंड अभी मैं नीचे खड़ा हूँ तो बूंदाबांदी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। तो बूंदाबांदी में हम जा रहे हैं आपके लिए सुबह थोड़ा सा ब्लॉग कैप्चर करने। और मतलब आज से मैंने सोचा था यार, आज से क्या मतलब 5-6 दिन से सोच रहा था व्लॉगिंग शुरू करनी है, बट कॉन्फिडेंस नहीं गेन हो रहा था, तो आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। तो आज चलते हैं, व्लॉगिंग शुरू करते हैं, अपने भाइयों को लेते हैं, उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे एक जगह जो मेरे को बहुत टाइम से कैप्चर करनी थी पर मैंने कभी की नहीं थी। तो यार चलो चलते हैं, आपको व्लॉग में साथ में लेके। तो यार यहाँ पे भाइयों को लेने पहुँच चुके हैं और भाइयों का वेट किया जा रहा है, तो यहाँ से बाहर आएंगे वो भी। और दोस्त को कॉल की तो वो तो सो रहा है, कह रहा है आओ तब पहुँचूँगा मैं वहाँ पे। तो यार उसको भी बुलाते हैं वहाँ पहुँच के। तो काफ़ी बारिश यहाँ पे हो रही थी ठीक ठाक, वहाँ पे तो बूंदाबांदी हो रही थी, यहाँ पे अब बूंदाबांदी हो रही है। मैंने अभी वेदर ऐप पे चेक किया तो आ रहा है कि 7:30 तक सब क्लियर हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने लिए अच्छी बात है कि वरना आज मेरा मूड ख़राब हो जाता कि मैंने आज से व्लॉगिंग का सोचा और आज के ही दिन काली घटा, मतलब काले बादल मिल गए सुबह सुबह। तो एनीवेज यार इन लोगों का वेट करते हैं एंड उसके बाद अपनी ट्रिप के साथ कंटिन्यू करते हैं। What we do here is go back, 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 back. यार अभी हम लोग चायवाला.com पे आए, जो बाहर उतर के आपको एक क्लिप दिखाई, भैया ने बोला है कि यहाँ पे है कि अंदर जाके जगह है बैठने की। तो हम लोग अंदर जाके बैठने के लिए पूछा अंदर, तो बोला कि जगह बंद पड़ी है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके बाद हम लोग बाहर आए, अब बाहर आके गाड़ी में बैठे, तो बगल में जगह है और खाना ऑर्डर कर दिया है। क्या क्या ऑर्डर किया वो आपको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छी जगह है यार, और लखनऊ के तो सारे लोग इस जगह को जानते हैं, ये आप इन दोनों को तो जानते ही, ये लोग हर ब्लॉग में आए ऑलमोस्ट, गौतम और नकुल। तो भाई हाय भाई, पीछे आप भी। तो भाई आज व्लॉगिंग शुरू की तो इन्हीं दोनों के साथ मैंने किया, बहुत टाइम बाद पहला व्लॉग। यार चाय वाला पे ऑर्डर किया, जो ऑर्डर किया बताते हैं आपको। और लखनऊ के लोग इस जगह को बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये एक्सटेंशन पे है, जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास, और सुबह खुल जाती है 7 बजे सर्दियों में। तो काफ़ी सही जगह है मेरे को जो लगता है, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह आपको सब मिल जाएगा, मैगी मिलती है, पकौड़े मिलते हैं और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलती हैं, चाय वाय सब मिलती है। तो यार चलो ऑर्डर किया, जो ऑर्डर किया वो आएगा तब आपको दिखाएंगे। अभी फाइनली भाइयों को छोड़ के मैं घर आ गया था और काफी दिन बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा बालकनी और पीछे व्यू पूरा। तो काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो बेसिकली अभी मौसम काफ़ी साफ़ हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, और बहुत क्लियर हो गया, पहले बहुत डार्क था। तो अभी बज रहे 9 और अभी मैं जाके थोड़ी देर सोऊंगा और सोने के बाद उठूंगा, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो थोड़ी सी ऐसे आप लोग को बात बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था सर्जरी में एंड ऑल। तो बेसिकली यार किचन में एक प्लाईवुड थी, वो आप लोग को बाद में दिखाऊँगा क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है एंड जनरेटर भी नीचे नहीं चल रहा है। तो हुआ क्या था यार कि वो प्लाईवुड मेरे सर पे गिर गई थी और मेरे C2 फ्रैक्चर हो गया था, काफ़ी चीज़ें हो गई थी, सर्वाइकल माइलोपैथी हो गई थी और ओडेंटॉइड लाइन जो है शोल्डर की, मैं ये सेपरेट हो गई थी उसकी वजह से।
तो उसको सर्जरी करवाई थी, और एक आप लोग को फोटो भी डाल के दिखाऊंगा कि मेरी सर्जरी का मतलब मार्क कैसा आया एंड ऑल, क्योंकि आप लोग से सब शेयर करना बनता है, क्योंकि मैंने इतने लॉन्ग टाइम का ब्रेक लिया है। तो यही था, और प्लाईवुड आप लोग को बाद में दिखाऊंगा। तो उसके सर्जरी के बाद से यार मेरे अंदर उतना वो नहीं रहा, अभी भी पेन होती है। 2 मंथ्स हो चुके मेरी सर्जरी को और अभी भी पेन होती है मेरे काफ़ी, बट अब मैं फाइनली वर्क कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग सब थोड़ी देर सोने के बाद मिलता हूँ। नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं और आँखों में नींद भरी हुई है, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। तो ये वाली जगह आपने बहुत मिस की होगी, पहले ऐसे दिखाता था आप लोग को। तो यार अभी खाना खाते हैं, खाने में है बिरयानी, तो ये पड़ी हुई है बिरयानी अपनी, इस पर भी एक बार ब्लॉग बना था बहुत पहले, मेरे को याद है, ऑरेंज फूड चैलेंज, वो भी मैंने देख के बनाया था। लाइक उस टाइम में ट्रेंड चल रहा था, तो लोगों का देख के बनाया था कि क्या बन सकता है। ये पड़ा हुआ जॉली का खाना बन रहा है, तो तब तक आप लोग को फ्लिपी से मिलवाता हूँ। और उस बीच कई दौरान में मेरे पास कुछ न्यू फिशेस भी आ गई थी, जो कि मैं आप लोग को भी वो भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, सब कुछ रिकैप में। तो यार एक दिखाता हूँ आपको, यहीं पे टहल रही है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऊपर आती नहीं है, तो आप लोग को इसलिए यहीं से दिखाता हूँ। अगर वो देख रहे हो ना, वो है फाइटर फिश। तो अलग ही होते हैं इसके पंख वंख, मतलब सॉरी फिन्स एंड ऑल, तो काफ़ी बड़ी होती है भाई। ये काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी, और इसमें 2 और हैं, ये वाइट वाली और इसके जैसी एक है ब्लैक वाली, लाइक ब्लैक एंड गोल्डन उसका वेरिएशन है। तो वो दोनों मेरी दोस्त हैं, वो देखो वो बैठी है। यहाँ अपना खाना गर्म हो रहा है, तो यार पहले सबसे पहले खाना खाते हैं एंड उसके बाद काफ़ी कुछ है आज करने को। लाइक एक दोस्त है मेरा आदि, तो वो आएगा, तो उसके साथ मेरे को जाना है जनपद, उसका एक उसको कुछ काम है, और फिर मेरे को भी अपने फ़ोन पे कुछ काम है। तो यार चलो चलो खा लेते हैं सबसे पहले, फिर चलते हैं। अभी अब नीचे आया है, ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बारिश कल रात हुई है और कल पूरे दिन हुई थी, तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा उबड़ गई है। तो वो अभी नीचे आ गया फाइनली, बहुत देर बाद, लाइक 1-1.5 घंटे की वेटिंग के बाद उसने मुझे कहा 1-1.5 घंटे में आता हूँ, और आया उसके भी 1-1.5 घंटे बाद है। तो नीचे चलते हैं, वो खुली हुई है यार, तो नीचे चलते हैं सीढ़ियों से, और नीचे चल के उससे मिलते हैं, उसके साथ जाना है जनपद। जनपद लखनऊ की एक मार्केट है, जिनको नहीं पता, मैं पूरा ब्लैकआउट हो गया हूँ, तो यहाँ से मेरा शक्ल देखा। तो जनपद लखनऊ की एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। यार हम लोग अभी जनपद आ चुके हैं, ये आदि आदि आए। हाय। तो भाई इसको नया आईफोन लेना था, तो यहाँ पे अपना ट्रेड इन कर रहा है और ले गणपति मोबाइल से रहा है, तो इसको जल्दी से यहाँ से ट्रेड इन का बात कर लेते हैं पूरी रेट का, क्योंकि वो थोड़ा नाटक हो गया उसमें भी। इसने यहाँ पे एक ऑलरेडी बुक करा रखा था, पर अब वो कैंसिल करा रहे हैं, क्योंकि इसको अच्छी डील मिल गई है। तो अब यहाँ से वो कैंसिल करा के उसके बाद गणपति चलते हैं और आपको मार्केट दिखाते हैं पहले। तो यार आदि अपना घर चला गया था फ़ोन वन लेके नया, और अपना वाला पुराना वाला ट्रेडिंग करके, तो उसका सारा काम करने में मेरे को अराउंड हम दोनों को 3 आवर्स लग गए थे। तो इसीलिए उस 3 आवर्स में बहुत रकस मच गया था, इधर उधर हो रही थी, तो ज़्यादा मतलब नहीं कर पाया था रिकॉर्ड, पर अगली बार से पूरी कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की। और सुबह से पहले ही व्लॉग में इतने दिन बाद जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोग को किसी से तो मिलवाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो व्लॉग पूरा होता ही नहीं है। तो ये अपनी लेज़ी है, ये यहीं पे सो रही है, तो यार ये उठती जल्दी है नहीं, तो परेशान होती है जब इसको मैं उठाता हूँ, ये तो आप लोग जानते हो इसकी पुरानी आदत है। तो एक ये चीज़, और एक आप लोगों को दिखाना था कि मेरे पे कौन सी प्लाईवुड गिरी थी, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। तो यार बेसिकली ये वाली प्लाईवुड थी सेंटर वाली, ये तीनों में से ये सेंटर वाली थी, चिमनी के ऊपर वाली। इसमें हुआ क्या था कि इसका उस साइड का लॉक एक साइड से लूज़ हो गया था, और दूसरी साइड से पापा पकड़े हुए थे, एक साइड में बस ऊपर जा ही रहा था उसको, लाइक दूसरी साइड से लॉक खोल के नीचे लाने के लिए, वो लूज़ होकर अपने आप एक साइड से निकला, दूसरी साइड से मैं जा ही रहा था कि इतनी देर में वो मेरे इधर गिर गया था पूरा, मतलब एकदम से गिरा था यहाँ से और पूरा घिसते हुए गया था गर्दन पे। तो जो झटका जर्क पड़ा था, तो डॉक्टर ने भी बताया था कि एक लाइक बाय बर्थ एक बोन थी जो साइज़ में छोटी रह गई थी, ग्रो नहीं कर पाई थी प्रॉपरली, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से डैमेज हो गई थी। तो प्लाईवुड मैंने आप लोग को दिखा दी, सुबह बोला था दिखाऊंगा, तो उसके लिए सॉरी। आज का व्लॉग आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा,
आप सबको अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मैं जब भी व्लॉग डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।